चार डेयरडेविल्स गंगा नदी पर एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी एडवेंचर। अब तक आपने देखा टीम अलाहाबाद पहुंचकर स्वादिष्ट खाने का आनंद लेती है, गंगा नदी की सफाई के लिए चलाए जा रहे सरकारी प्रोग्राम्स को देखती है और संगम से आगे निकल पड़ती है। एक नई सुबह और उत्सुक मेहमान, टीम को इन दोनों चीजों की आदत सी हो गई है। संगम के बाद से तेज रफ्तार नदी पर सवार टीम तकरीबन हर रोज 40 किलोमीटर से ज्यादा पैडलिंग कर रही है। क्या टीम आज हाफ सेंचुरी मार पाएगी? टीम ज्यादातर किनारों पर खेत या छोटे गांव ही देखती आ रही है, मगर आज शाम का नजारा विजुअल ट्रीट से कम नहीं है। बनारस दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से जाना जाता है अपने बड़े बड़े मॉन्यूमेंटल घाट्स के लिए। यहां सरकारी और कम्युनिटी एफर्ट से घाट और नदी की स्वच्छता पर काफी पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा है। बनारस में कुछ दिन रिफ्रेश होने के बाद टीम आगे निकल पड़ती है। टीम स्टेडिली बिहार की ओर बढ़ती जा रही है। पटना के पास टीम आज अपने कैंप से सरकार द्वारा पत्री से आलमगढ़ घाट तक बनाए गए प्रोमेनाड देखती है, साथ ही एक ओपन डेफिकेशन फ्री विलेज में इंटरेक्शन के लिए भी जाती है। यहां टीम वाटर एड नाम के एनजीओ के द्वारा चलाए जा रहे कम्युनिटी लेड टोटल सैनिटेशन प्रोग्राम में भाग लेती है। इन प्रयासों के कारण गांव के आसपास के घाट डेफिकेशन फ्री और साफ है। आगे की जर्नी फॉलो करने के लिए देखते रहिए डिस्कवरी, सपोर्टेड बाय द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा।